ज़्यादातर बाइक्स के साइलेंसर को राइट साइड में ही क्यों रखा जाता है? असल में दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी इस चीज़ को नोटिस तो ज़रूर किया होगा कि मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट स्कूटीज या फिर बाइक्स के साइलेंसर को हमेशा राइट साइड ही रखा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव। असल में दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में हम सड़क के लेफ्ट साइड को पकड़कर ड्राइव करते हैं, तो वही अगर उस कंडीशन में किसी भी बाइक के साइलेंसर को राइट साइड के वजह लेफ्ट साइड दिया जाएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यह जनरेट होती है कि जैसे ही हम किसी दूसरे बाइक या फिर साइकिल को ओवरटेक करेंगे तो वो साइलेंसर या फिर उससे निकलने वाला धुआं सीधा ही ओवरटेक करने वाले व्हीकल के फेस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वही दोस्तों, बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है इंजन डिजाइनिंग। असल में दोस्तों, एक टू व्हीलर के इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसका चेन सॉकेट हमेशा ही लेफ्ट साइड में आता है। अब क्योंकि चेन सॉकेट अपने आप में ही काफी ज्यादा भारी इक्विपमेंट है, तो व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए बाइक के साइलेंसर को राइट साइड में लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आपकी बाइक हमेशा ही लेफ्ट साइड में प्रेशर के साथ झुकती हुई चली जाएगी। वहीं दोस्तों, बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है गियर चेंजिंग पोजीशन। असल में दोस्तों, बाइक चलाते समय हम गियर चेंज करने के लिए अपने पैर को काफी ज्यादा ऊपर नीचे मूव करना पड़ता है। अब अगर उस कंडीशन में साइलेंसर को भी लेफ्ट साइड में दिया जाएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट होती है कि गियर को चेंज करते समय हमारा पैर उस गर्म साइलेंसर से टच हो जाएगा और ऐसा होने की कंडीशन में राइडर का पैर जल जाएगा। और यही वो सारे कारण है जिसके चलते हुए हमारी सेफ्टी और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऑलमोस्ट सभी टू व्हीलर के साइलेंसर को राइट साइड में ही दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।